देखिए, एक लेसन में हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था और प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल फाइंड किया था। ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड कर सकता है फॉर ए गिवन इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। याद है किसी को एच का फॉर्मूला कितना निकल कर आया था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। लेकिन इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हुए हमने दो बड़े कंसिडरेशन लिए थे। पहला कंसिडरेशन ये लिया था कि एटमॉस्फेयर का कोई भी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन इस पर काम नहीं कर रहा, और दूसरा कंसिडरेशन हमने लिया था कि प्रोजेक्टाइल की हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल बहुत कम है। इतनी ऊंचाई पर नहीं गया प्रोजेक्टाइल जहां जी की वैल्यू बदल जाए, और अभी हमने इस लेसन में देखा कि जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू बदलती चली आती, कम होती चली आती। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक जी कॉन्स्टेंट ले लिया था। अब ये जो फॉर्मूला है ये छोटी मोटी हाइट के लिए तो काम कर जाएगा, 1 किलोमीटर, 2, 4, 5 किलोमीटर तक के लिए, लेकिन मिसाइल्स की हाइट तो सैकड़ों किलोमीटर पहुंच जाती है, कई कई 100 किलोमीटर ऊपर चली जाती है, फिर वापस नीचे लौट के आती है। जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, एक देश से दूसरे देश या 3 4 देश बीच में पार करके वहां जाकर अटैक करें, उसको सीधे एटमॉस्फेयर से नहीं कराया जाता, इतना फ्यूल नहीं दे पाएंगे हम कि वो एटमॉस्फेयर के पूरे रेजिस्टेंस को, फ्रिक्शन को पार करके वहां तक पहुंचे। प्लस पकड़ में आ जाएगी तुरंत, तो रेडार्स पकड़ लेंगे, तो पहले उसे एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल दिया जाता है, बिल्कुल सीधा मिसाइल सीधे प्रोजेक्ट करी, ऊपर निकल गई। जो रॉकेट होते हैं, वो रॉकेट कभी देखना आप, वो उनके प्रोजेक्शन ऐसा होता है इंक्लाइन, लेकिन जो मिसाइल्स होती हैं उनको एंगल पर सीधा प्रोजेक्ट कर दिया जाता, निकाल के एटमॉस्फेयर से बाहर, फिर उनको हॉरिजॉन्टल मोशन दिया जाता है, कहाँ तक जाना है अर्थ के पैरेलल, और फिर वहां से फिर वापस नीचे। तो उस केस के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वहां हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरेबल आ गई। तब कौन सा फॉर्मूला होगा? तब हम कैसे फाइंड करें कि हमें 400 किलोमीटर तक ऊंचाई पहुंचाने के लिए कितनी इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है, या 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर हाइट तक पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? करेक्ट। तो अब हम फाइंड करेंगे रियल वैल्यू किसकी? हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल की। एक ऐसा फॉर्मूला जो छोटी हाइट के लिए भी और बड़ी हाइट के लिए भी, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, जहां जी की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे कैसी? बदलती हुई, नीचे से कुछ और है, हाई मैक्सिमम हाइट पर कुछ और है। और इसके लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, कोई भी मुश्किल की बात नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है। क्या ये आपने अर्थ सरफेस बना ली, ठीक है, थोड़ा झुका हुआ सा, और यहां से आपने मिसाइल को अपने प्रोजेक्ट किया, और मिसाइल का अब पाथ कौन सा है? ये पाथ है मिसाइल का ऊपर उठते हुए जा रहा है, ऑब्वियसली पैराबॉलिक है ना, और फिर ये यहां जा करके स्ट्राइक पॉइंट आ गया इसका। अब आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितनी हाइट पर पहुंची, या अगर आपकी हाइट प्री कैलकुलेटेड है तो कितना आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। जहां आपने प्रोजेक्ट किया इसे, इसमें दो एनर्जीज हैं, इसमें क्या? एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां पर दो एनर्जीज हैं इसमें, एक तो आपने दी इसे काइनेटिक एनर्जी और एक इसकी ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी, आपने काइनेटिक एनर्जी दी हाफ एम वी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस जी एम ई एम बाय आर ई, ये इसकी का एनर्जी है, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर इसका ऊपर उठना बंद हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी, ठीक। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बॉडी हैज ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, क्योंकि अब अर्थ सरफेस पर नहीं है, अर्थ सरफेस से हाइट एच पर पहुंच चुकी है, तो टोटल डिस्टेंस आर ई प्लस एच हो गया। अब सिंपल सी बात है ये रही कि ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है आपकी, वो सॉरी टोटल एनर्जी एट द स्टार्ट पॉइंट इक्वल्स फाइनल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी यहां से लेके चला उतनी एनर्जी पहुंचेगी इसके, एक एक एनर्जी का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन तो हो सकता है, लेकिन एनर्जी का लॉस तो नहीं हो सकता, जितनी एनर्जी लेकर चली उतनी एनर्जी बनेगी कहाँ, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो फिर सीधी सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम ई एम बाय आर ई इक्वल्स माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आपको वी के लिए फॉर्मूला बनाना या एच के लिए फॉर्मूला बनाना, जो चाहो वो बना लो। इसे दूसरी साइड ले जाए, एक तो देखो ध्यान से स्मॉल एम तो खत्म हो गया, यहां से कॉमन है ना, यहाँ क्या बचा, इधर वी स्क्वायर बाई टू, और जी एम अपॉन आर ई उधर पहुंचा लीजिए प्लस में, करेक्ट, जी एम ई बाय आर ई माइनस जी एम ई बाय आर ई प्लस एच, राइट। यहां से जी एम ई कॉमन आ सकता है, तो अब आपके पास क्या बना, वी स्क्वायर बाय टू जी एम ई ब्रैकेट में वन प्लस आर प्लस वन बाय सॉरी माइनस है बीच में ये आर ई प्लस एच, और वी स्क्वायर जी एम ई को हम लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर, याद है रिलेशन, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सिंपल, और ये अपॉन का टू भी यहां पहुंच गया। इधर से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना बना एलसीएम, आर ई इंटू आर ई प्लस एच, और ये क्या बना आपका आर ई प्लस एच माइनस आर ई, सिंपल मैथमेटिक्स है बिल्कुल, वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, और अब क्या बच गया है बताओ, एच अपॉन आर ई प्लस एच इंटू आर ई, अब एक आर ई तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर ई एच अपॉन में आर ई प्लस एच, ये तो फॉर्मूला बन गया आपका वेलोसिटी का, मतलब जब आपको आपकी हाइट प्री डिटरमिंड है, आपको पता है कि 600 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचानी है, तो कितनी वेलोसिटी से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बन गया आपका वेलोसिटी के लिए इन टर्म्स ऑफ हाइट, करेक्ट। अगर आपको हाइट फाइंड करनी है गिवन वेलोसिटी के लिए, कि आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक सर्टेन वेलोसिटी इनिशियल दे दी आपने, आप 25 किलोमीटर पर आवर, नहीं 25 किलोमीटर पर आवर पर कुछ नहीं होने का, 500 किलोमीटर पर आवर, तो अब आपको देखना कि कितनी हाइट पर जाएगा, तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके एच को क्या बना लें आप, सब्जेक्ट बना लीजिए, एच को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो वी स्क्वायर इंटू आर ई प्लस एच इक्वल्स टू जी आर ई इंटू एच, ओपन ही करना पड़ेगा क्योंकि एच को हमने सब्जेक्ट बनाना है,
आर ई प्लस एच इक्वल्स 2 GRE H बाय वी स्क्वायर, और यहां से अब आपका बचेगा आर ई इक्वल्स 2 GRE H बाय वी स्क्वायर माइनस एच। अब यहां से आप एच कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन लिया, एच कॉमन लेकर ब्रैकेट में क्या बचा, 2 GRE बाय वी स्क्वायर माइनस 1 इजिकल्स टू RE, और वी स्क्वायर यहां से ले 2 GRE माइनस वी स्क्वायर इंटू इजिकल्स टू RE, और अब आपके पास एच का फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर RE डिवाइडेड बाय 2 GRE माइनस वी स्क्वायर मीटर। ये आपका तब के लिए फॉर्मूला बन गया जब आप एच पर कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, कीजिए इसे। यहीं से हम पहले वाला फॉर्मूला भी निकाल के ले आएंगे क्या, बॉडी से अर्थ, बॉडी को अर्थ से एस्केप कराने के लिए हाइट कितनी पहुंचनी चाहिए, इनफाइनाइट ऊंचाई पर पहुंच जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच जाए, है ना। तो इसका मतलब वी स्क्वायर बाय आर ई अपॉन 2 GRE माइनस वी स्क्वायर कितना हो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, है ना। है ना, नॉट डिफाइंड। तो ये तो पूरा जीरो हो गया, और यहां क्या बचा आपका, ये बचा 2 GRE माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स जीरो। तो अब इसके बाद क्या बनेगा आपका, वी स्क्वायर इक्वल्स 2 GRE, और फिर से वही का वही फॉर्मूला निकल कर आया VE। अब एक्चुअली यहां में E लिखना चाहिए ना, क्योंकि एस्केप करा रहे हैं अर्थ सरफेस से, VE। तो VE एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2 GRE मीटर पर सेकेंड। ये आपका एस्केप वेलोसिटी आ गई इसी फॉर्मूले में से।